Hello everybody and a very warm welcome to Supporting Learners. I hope everybody is doing really great. So this is a part 3 of the chapter Principles of Inheritance and Variation. And before starting the video, I would request you to subscribe to the channel and be a part of the community of Supporting Learners. Also hit the bell icon to get notified for every upcoming video. So start karte hain aaj ki video ko with the topic Inheritance of One Gene. So, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेंडल की. मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि इन्होंने पी प्लांट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे जिसके बेसिस पर इन्होंने दिए थे 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. सो बेसिकली मेंडल ने कंडक्ट करे थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. इन एक्सपेरिमेंट्स की बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी और इस पिक्चर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था the steps that were involved in the crosses done by Mendel using the pea plant, right. So in experiment mein kuch crosses kare the Mendel ne, aur basically Mendel ne yahan par kari thi cross pollination, right. So Mendel ne basically yahan par do flowers liye the. Ek flowers ke anthers ko inhone remove kar diya tha with the help of the scissor. So first step was the removal of anthers, that was called the emasculation. Very very important. E का मतलब होता है removal, masculine यानी कि male part which is the anther. So first step was the removal of the anthers. अब अगर इस flower के anthers को हमने remove कर दिया है तो ये flower अब क्या हो गया? Female flower, क्योंकि इसका male part हमने remove कर दिया है. So this is the female parent. ये female का symbol है. Okay. So, उसके बाद इस फीमेल फ्लावर को इन्होंने कर दिया एक बैग से कवर. सो दिस इज कॉल्ड बैगिंग. ओके, सो क्यों बैग से कवर करा इन्होंने? टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन जो है इस फ्लावर के साथ पॉलिनेशन ना कर पाए. ओके, सो नेक्स्ट इन्होंने क्या करा? अब यहाँ से जो मेल फ्लावर था इसके एंथर्स को डस्ट कर दिया इन्होंने फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा पर, और यहाँ से हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. एंड सब्सिक्वेंट जो स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उससे हमें ऑब्टेन हो गई क्या यहाँ पर? प्रोजेनी, दैट इज द नेक्स्ट जेनरेशन. ओके, अब जिन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो मेंडल ने कंडक्ट करे थे टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. अब जीन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी आप इतना समझ लो कि मेंडल जो थे वो इंटरेस्टेड थे ओनली इन वन कैरेक्टर. सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करने में वो इंटरेस्टेड थे, और वो कैरेक्टर है यहाँ पर स्टेम हाइट. ठीक है, तो वो स्टेम की हाइट पे अभी इंटरेस्टेड थे. उन्हें मतलब नहीं था कि भाई फ्लावर का कलर क्या है, सीड की शेप क्या है, पॉट का कलर क्या है. इन बाकी कैरेक्टर्स से उन्हें अभी कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ मतलब था स्टेम की हाइट से. अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ क्रॉस करा. ठीक है, दीज वर द पेरेंट्स, और ये जो जेनरेशन है इसे हम क्या कहेंगे? पेरेंटल जेनरेशन, राइट. अब ये टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाने से इनके पास आई फर्स्ट जेनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. तो जिस जेनरेशन के साथ हमने स्टार्ट करा क्रॉस को, उसे हम कहते हैं पेरेंटल जेनरेशन. उस उन पेरेंट्स के क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आई, द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड, उनकी जेनरेशन को हम कहते हैं F1 और द फिलियल वन जेनरेशन, राइट. सो अब F1 में उन्होंने क्या देखा कि भाई सारे प्लांट्स जो थे वो क्या थे? टॉल प्लांट्स. ऑल द प्लांट्स वर टॉल एंड नन वाज ड्वार्फ. कोई भी ड्वार्फ प्लांट उनको नहीं मिला. ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने देखा कि भाई जो F1 जेनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं किसी एक पेरेंट से. यहाँ पर वो टॉल पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, राइट. अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करा? नेक्स्ट उन्होंने इन टॉल प्लांट्स में कर दी सेल्फ पॉलिनेशन. तो यहाँ पर हुई सेल्फ विंग, इसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, तो हमारे पास आ गई F2 जेनरेशन. अब F2 जेनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट्स जो थे वो थे टॉल, बट कुछ प्लांट्स जो थे वो थे ड्वार्फ. अब ये देखकर मेंडल जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि F2 में ये ड्वार्फ प्लांट कहाँ से आ गए.
एफ टू जेनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स कहाँ से आए, क्योंकि हमने एफ वन जेनरेशन में तो टॉल प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करी थी, तो ये एफ टू में ड्वार्फ प्लांट्स कहाँ से आए। उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, उन्होंने क्योंकि वो क्रॉसेस करते थे प्लांट्स में, क्रॉसेस से बहुत सारे प्लांट्स आते थे, फिर वो उन प्लांट्स को काउंट करते थे, उनका पूरा रिकॉर्ड रखते थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो एफ टू जेनरेशन है इसमें 3/4 यानी 3/4 जो प्लांट्स हैं वो टॉल प्लांट्स हैं और 1/4 जो प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ प्लांट्स हैं। इसका मतलब कि जैसे अगर 4 प्लांट्स हमारे पास ऑब्टेन हुए तो 3 उसमें से क्या है, टॉल है, और 1 प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ कम थे, टॉल प्लांट्स जो थे वो ज़्यादा थे। और उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये देखा कि ये जितने भी ट्रेट्स हैं टॉल और ड्वार्फ, ये सब अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ये सब प्लांट्स अपने पेरेंट्स के ट्रेट्स को रिजेंबल करते हैं। इसका मतलब कि जो एफ टू का टॉल है वो अपने एफ वन वाले पेरेंट के साथ रिजेंबल करेगा, एफ वन जो है वो अपने पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब है कि इन कैरेक्टर्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंडिंग का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट्स टॉल हैं, कुछ उससे ज़्यादा टॉल हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा टॉल हैं, ऐसा नहीं था। या तो प्लांट्स टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, देर वॉज नो इन बिटवीन हाइट, ईधर टॉल और ड्वार्फ। क्योंकि यहाँ पर देखो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो मेंडल ने ट्रेट्स लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ऑपोजिट ट्रेट्स थे। ये ह्यूमंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है कि या तो लोग सिर्फ टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ऐसा नहीं होता। देर इज़ अ रेंज ऑफ हाइट, या कुछ लोग थोड़े टॉल होते हैं, कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा, कुछ लोग वेरी टॉल होते हैं, सो देर इज़ अ रेंज ऑफ हाइट इन ह्यूमन बींग्स। बट यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम मेंडल ने जो ट्रेट्स लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ऑपोजिट ट्रेट्स थे, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो यही सेम रिजल्ट्स उनको मिले जब उन्होंने दूसरे ट्रेट्स लिए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने फ्लावर कलर को सिलेक्ट करा, ठीक है, तो फ्लावर कलर, अब उन्हें सिर्फ फ्लावर कलर से मतलब है, अब उनको स्टेम हाइट क्या है या सीड का कलर, ये इन सब ट्रेट्स से, इन सब कैरेक्टर्स से उन्हें मतलब नहीं है, वो सिर्फ फ्लावर कलर को स्टडी कर रहे हैं। सो उन्होंने मान लो कि वायलेट फ्लावर्स को क्रॉस करा विद वाइट फ्लावर्स, राइट। सो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पेरेंट्स हो गए। तो इसके बाद इन्हें ऑब्टेन हुए फर्स्ट जेनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज F1। F1 में सारे जो फ्लावर्स थे, ऑल द फ्लावर्स वर वायलेट। ओके, नाउ सेल्फिंग करी इन्होंने, सेल्फिंग करी F1 की, वायलेट फ्लावर्स की इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करी, तो इन्हें F2 ऑब्टेन हुई, और F2 में भी इन्हें सेम रिजल्ट मिले, यानी कि 3/4 जो प्लांट्स थे वो वायलेट थे और 1/4 जो थे वो वाइट, ठीक है। यानी कि रेशियो क्या थी, 3:1, ये रेशियो इसमें भी फिट हो गई, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, या तो फ्लावर्स वायलेट थे या तो फ्लावर्स वाइट थे, राइट। अब इस सारी ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने बोला कि भैया कुछ तो है जो पास ऑन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसफर हो रही है, पास ऑन हो रही है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, और जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब सक्सेसिव जनरेशंस में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से, तो कुछ तो चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है। उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। आज हम इन्हें जीन्स कहते हैं, देखो उस टाइम पर हमें जीन्स की कोई नॉलेज नहीं थी, मेंडल को जीन्स वर्ड, मेंडल ने जीन्स वर्ड यूज़ ही नहीं किया था, मेंडल ने जो वर्ड यूज़ करा था वो था फैक्टर्स। आज हमारे पास जो है, इन टुडेज टाइम हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोपी है, सेल की स्टडी हम कर सकते हैं, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था, और मेंडल वॉज सच अ जीनियस कि उन्होंने जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, है ना, विदाउट एनी एडवांस टेक्निक्स। उन्होंने बोला कि ये जीन्स, ये फैक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब ये जीन्स क्या होती है, जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी कि ये डीएनए ही है
जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, ये जीन्स ही हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. सो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीन्स के पास वो इंफॉर्मेशन है जो कि एक ट्रेट को रिक्वायर्ड है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन कि कोई प्लांट टॉल बनेगा या ड्वार्फ बनेगा, ये उसके जीन्स में है, उसके डीएनए में है. ठीक है, नाउ अगर हम बात कर ले एलील्स की, तो एलील्स जो है वो कोड करते हैं फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट. यहाँ पर हम दो ट्रेट्स की बात करते हैं, वन इज टॉल एंड अदर इज ड्वार्फ. अब टॉल को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल टी से और ड्वार्फ को मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल टी से. क्यों? अब आप कहोगे कि मैम टॉल के लिए कैपिटल, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ऐसा क्यों? सो यहाँ पर ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन दी F1 जेनरेशन, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ठीक है, यहाँ पर अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट्स में बात करी वो यही तो बात करी. यहाँ पर इन्होंने मेंडल ने यही तो करा था, जब टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ क्रॉस करा तो F1 में सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल प्लांट्स थे. ड्वार्फ प्लांट्स उनको दिखे ही नहीं. इसका मतलब कि टॉलनेस ने अपने आप को एक्सप्रेस करा. ठीक है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया क्योंकि F1 में सिर्फ टॉल प्लांट्स ने डोमिनेट करा, ड्वार्फ प्लांट्स तो दिखे ही नहीं, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा. सो टॉल जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है और ड्वार्फ जो है वो हमारा रिसेसिव ट्रेट. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडी करे थे और हर कैरेक्टर के ऑपोजिट ट्रेट्स थे. ठीक है, और एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट था और दूसरा ट्रेट जो था वो रिसेसिव था. और ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए बाय हार्ट कि कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी करे, उनके क्या ऑपोजिट ट्रेट्स थे, कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव. ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं एलील्स के ऊपर. तो एलील्स को मैंने रिप्रेजेंट करा कैपिटल टी और स्मॉल टी से. अब यहाँ पर एलील्स तो दो ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी. ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन एलील्स से, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं. पी प्लांट भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक एलील जो है वो हमें मिलता है फादर से और एक एलील मिलता है मदर से. सो पी प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. यहाँ पर मैंने पेयर क्यों बनाया है, दो एलील्स क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एलील्स ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. एक एलील आता है फादर से यानी कि मेल पेरेंट से और एक आता है मदर से यानी कि फीमेल पेरेंट से. सो यहाँ पर तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. अब देखो दिखने में तो या तो ये प्लांट टॉल है या तो ये ड्वार्फ है, बट अगर हम एलील्स की बात करें, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, ये तो तीन कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं. इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास दो और टर्म्स निकल करके आते हैं, दैट इज द फीनोटाइप एंड द जीनोटाइप. फीनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखने में कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी प्लांट की बात करें, या तो वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है, तो ये उसका फीनोटाइप है, टॉल या ड्वार्फ. ठीक है, वायलेट, अगर फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट या वाइट, ये फीनोटाइप है. और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो वो उसका जेनेटिक मेकअप होता है, एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं उसका जीनोटाइप. जितना भी टोटल सम ऑफ जीन्स है जो कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप. राइट, नाउ जीनोटाइप भी जो है वो टू टाइप्स का होता है, वन इज द होमोजाइगस एंड अदर वन इज द हेटेरोजाइगस. तो यहाँ पर अगर होमोजाइगस का मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम,
तो अगर ये जो सेट ऑफ एलील्स है ये सेम है, यानी कैपिटल टी सेम एलील्स है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। सिमिलरली स्मॉल टी इज होमोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। सो अगर एक इंडिविजुअल डिफरेंट सेट ऑफ एलील्स कैरी करता है, वन इज द कैपिटल टी एंड अदर वन इज द स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो जीनोटाइप है दैट इज द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, एंड द इंडिविजुअल्स कैरिंग दीज डिफरेंट एलील्स आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये होमोजाइगस जीनोटाइप है। दिस इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, दिस इज हेटेरोजाइगस। सो कैपिटल टी स्मॉल टी विल ऑल्सो हैविंग द फिनोटाइप दैट इज टॉल, ये भी दिखने में टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा और कैपिटल टी भी टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा, ठीक है। फर्क क्या है, दिस इज होमोजाइगस टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेटेरोजाइगस टॉल, बट फिनोटिपिकली यानी दिखने में दोनों ही टॉल है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैपिटल टी वाला टॉल है और कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, दोनों एक जैसे टॉल है। और स्मॉल टी ऑब्वियसली इसमें दोनों ही रिसेसिव एलील्स है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ड्वार्फ है, ठीक है। ये ड्वार्फ क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, राइट। सो मेंडल ने क्या बोला कि जब डिससिमिलर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने एलील वर्ड भी यूज नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था, कि जब हमारे पास डिससिमिलर फैक्टर्स यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर एक एलील डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। सो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव। ओके, अब ये तो हो गई जीनोटाइप की बात, बट मेंडल को तो ये सब नहीं पता था। मेंडल ने तो भैया एक्सपेरिमेंट्स करे अपने गार्डन में, उनको तो प्लांट बस दिख रहा था कि हाँ भाई ये टॉल है ये ड्वार्फ है, उनको नहीं पता था, उनको कैसे पता होगा कि भाई ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ये कैसे पता लगे। उनके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, उनके पास कोई इस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे वो बता पाते जीन्स अंदर उस प्लांट के क्या है। उन्हें तो बस प्लांट दिख रहा था हाँ भाई ये टॉल है, उन्हें नहीं पता था कि होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है। बट यही तो मेंडल, इसी मामले में तो वो जीनियस थे। वो जीनियस क्यों थे, वो जीनियस इसलिए थे क्योंकि मेंडल ने जो वैरायटी सिलेक्ट करी थी अपने एक्सपेरिमेंट्स की वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस थी। उन्होंने, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेंडल ने जो वैरायटी सिलेक्ट करी थी वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनी थी। जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होती है वो प्योर होती है, ठीक है। तो मेंडल को ये पता लग गया इस क्रॉस से कि भाई जो मैंने पेरेंट्स सिलेक्ट करे थे वो क्या थे, वो तो ट्रू ब्रीडिंग थे, वो तो प्योर थे, ठीक है। मतलब कि वो जो थे वो कैपिटल टी थे। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर, क्योंकि उसमें दोनों एलील सेम है, ठीक है। सिमिलरली ये जो ड्वार्फ थे ये मेरे क्या थे, कैपिटल, ये मेरे क्या थे, स्मॉल टी। उनको ये बात पता थी, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर एक फैक्टर जो है आपका फादर से आता है और एक फैक्टर मदर से आता है, तो ये जो टॉल है ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये इम्प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी इज रिसेसिव। ये बात मेंडल को यहाँ से पता चली। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम अभी बनाना भी सीखेंगे। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे,
एक ही कैरेक्टर की बात करेंगे। और हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट आएगा वो क्या है हमारा, हेटरोजाइगोट है, ठीक है, जो हमें ऑक्टेन होगा, सो इसीलिए इसको हाइब्रिड कह रहे हैं, राइट। अब हम यहाँ पर बनाना सीख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर कौन सा ले रहे हैं, दैट इज द स्टेम हाइट। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। सो पेरेंट्स यहाँ पे है टॉल, को हमने क्रॉस करा ड्वार्फ से। सो यहाँ पर जो मेंडल ने पेरेंट्स लिए थे देवर प्योर होमोजाइगस टॉल, सो कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है गैमीट्स बनाना। सो गैमीट्स कैसे बनेंगे, ये सेपरेशन हो जाएगी दोनों एलील्स की, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलील्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर दोनों एलील्स को हम कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट वी विल ऑब्टेन द F1 जेनरेशन। सो F1 जेनरेशंस में ये जो एलील्स हैं ये रीयूनाइट हो जाते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ओके। सो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन गया। दिस एलील इफ इट गोज विद इन कॉम्बिनेशन विद दिस एलील, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कैपिटल टी इन कॉम्बिनेशन विद दिस विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ओके। नाउ सो कैपिटल टी स्मॉल टी दे आर ऑल टॉल बट दे आर हेटरोजाइगस टॉल, ओके। नाउ अब हम ऑब्टेन करेंगे, अब हम करेंगे सेल्फिंग ऑफ F1। सेल्फिंग ऑफ F1 से क्या होगा, वी विल क्रॉस कैपिटल टी विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। सो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ अगेन वी विल फॉर्म द गैमीट्स। सो गैमीट्स कैसे बनेंगे, सेपरेट करो इन दोनों एलील्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट एलील्स हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सो डिससिमिलर गैमीट्स बन रहे हैं, ओके। नाउ वी विल ऑब्टेन द F2 सिमिलर इन अ सिमिलर वे, ओके। नाउ कैपिटल टी दिस, ओके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें बनाने हैं, ओके, एंड दिस स्मॉल टी इफ इट गोज विद स्मॉल टी देन दिस, ओके। सो नाउ अब अगर हम बात करें कि वही बात है कि भाई ये तीनों जो हैं ये दिखने में कैसे होंगे, ये प्लांट्स टॉल होंगे, और ये प्लांट कैसा होगा, दिस विल बी द ड्वार्फ प्लांट, ओके। सो यहाँ पर अगर हम फीनोटाइप की बात करें तो फीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, फीनोटिपिक रेशियो विल बी टॉल इज टू ड्वार्फ, सो 3 tall is to 1 dwarf, तो 3:1 रेशियो जो है वो यहाँ पर फीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो हमारी आ जाएगी कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी, बिकॉज यहाँ पर तीन टाइप के हमारे जीनोटाइप्स बनेंगे। सो एक है कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर एक है स्मॉल टी, राइट। सो जीनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जेनरेशन विल बी 1:2:1, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही क्लियर हो गया हमें कि F1 में सारे टॉल आते हैं बट दे आर हेटरोजाइगस टॉल, और F2 में हमारी जो जेनरेशन आती है उसकी रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, and this is the way you draw a monohybrid cross, okay। so now इस क्रॉस को हम एक प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ प्यूनिट स्क्वायर, प्यूनिट स्क्वायर सिंपली एक डायग्राम होता है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट ने डेवलप करा था, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, रेजिनाल्ड सी प्यूनिट। तो ये जो क्रॉस है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक डायग्राम होता है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। ये प्यूनिट स्क्वायर भी हम बनाना सीख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा वही क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, तो हमने टॉल प्लांट्स पेरेंट्स क्या लिए थे, हमने
टॉल मल्टीप्लाई बाय ड्वार्फ क्रॉस्ड विद ड्वार्फ. तो कैपिटल टी को हमने किया था स्मॉल टी से. ठीक है, फिर हमने इसके बनाए थे गैमीट्स. गैमीट्स में कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी. ठीक है, प्यूनिट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, क्रॉस ना ड्रॉ करके एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पर आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो. नाउ एक पेरेंट के लीव्स आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखने हैं और एक पेरेंट के लीव्स वर्टिकली लिखने हैं. सो यहाँ पर ये जो टॉल पेरेंट है इसके एलील्स को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और जो ड्वार्फ पेरेंट है उसके एलील्स को स्मॉल टी को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. अब आपने करना है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने हैं. ये कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. सिमिलरली ये टी का कॉम्बिनेशन बनाओगे स्मॉल टी के साथ तो यहाँ पर ये बनेगा. सिमिलरली दिस कैपिटल टी विद दिस स्मॉल टी इट विल मेक कैपिटल टी स्मॉल टी लाइक दिस इन दिस बॉक्स. ओके, सिमिलरली दिस वन विद दिस वन. ओके, सो यहाँ पर ये सारे क्या है, दीज आर ऑल टॉल. ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स. अब नाउ फिर हमने सेल्फ करा F1 को, सेल्फिंग F1. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी. अगेन वी विल फॉर्म द गैमीट्स. ओके, सो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हमारे पास बन गए गैमीट्स. गैमीट्स को हमेशा हम सर्कल में लिखते हैं. ओके, अब यहाँ पर आप दूसरा प्यूनिट स्क्वायर बना लो. दूसरा प्यूनिट स्क्वायर जो है इस तरीके से बन जाएगा आपका. एक पेरेंट के एलील्स को लिख दो हॉरिजॉन्टल, दूसरे पेरेंट के एलील को लिख दो वर्टिकल. ठीक है, तो अब ये कैपिटल टी यहाँ पर इस तरीके से हो गया. ये कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये ऐसे बन गया. दिस कैपिटल टी इन कॉम्बिनेशन विद दिस स्मॉल टी विल मेक दिस, and this small t with again with this will make like this. Okay, so ab yahan par bhi wahi aayega, this is tall capital t small t tall capital t small t again tall and small t will be dwarf. So the genotypic and phenotypic ratio yahan se bhi aap nikal sakte ho. Matlab wahan par humne cross bana diya, yahan par humne punnett square bana diya. But the ratios will remain same. Everything will remain same. यहाँ पर बस cross की जगह हमने ये unit square बना लिया. Okay, so that's it for today's video. I hope you were able to understand each and every topic. And I will see you in the next video. Thank you for watching. Till then, please subscribe to the channel.